परसराम मोरदिया की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में विधायक परसराम मोरदिया घायल बताए जा रहे हैं। सीकर के धोद इलाके के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर परसराम मोरदिया को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रधान ओम प्रकाश जीगर भी इसमें घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा हादसा, विधायक परसराम मोरदिया की गाड़ी पलटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में विधायक परसराम मोरदिया घायल हुए हैं। सीकर के धोद इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर परसराम मोरदिया को गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर किया गया। प्रधान ओम प्रकाश जीकर भी इसमें घायल है। तो अशोक शेखावत जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, कैसे हुआ है हादसा? देखिए, ये कच्ची सड़क थी और जो धोद विधायक है परसराम मोरदिया और उनके साथ थे धोद के प्रधान थे ओम प्रकाश जीकर, एक दो और लोग थे इनकी गाड़ी के अंदर और ये लोग कहीं बैठने जा रहे थे। इसी दौरान कच्ची सड़क थी जिसमें जो है कार चालक ने कार से संतुलन खो दिया और सामने जाकर के एक खंभे से जाकर टकरा गई, उसके बाद गाड़ी पलट गई है। इस हादसे में परसराम मोरदिया के हाथ में और पैर में फ्रैक्चर आया है, उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इसके अलावा धोद जो प्रधान है ओम प्रकाश जीकर, उनको भी हल्की चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल परसराम मोरदिया जयपुर पहुंचने वाले हैं, वहां उनका उपचार किया जाएगा। जी अशोक, सवाल यह है कि जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त जो संतुलन खोने की बात कही जा रही है, तेज रफ्तार की वजह से हुई, आखिर क्या कुछ कारण रहा, कुछ स्थिति साफ हो पा रही है? ये सड़क जो थोड़ी टूटी फूटी थी, जिसके कारण कोई गड्ढा आने से हादसा बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है, लेकिन जो गड्ढा आने के कारण ये हादसा होने की बात सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अशोक जिमीडिया संवाददाता जानकारी यहां पर देते हुए, जिस तरीके से सीकर के दो इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, विधायक परसराम जो है इसमें घायल हुए।